वेलकम गाइज, इंग्लिश ट्रेकर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज की जो कहानी है ये कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, बहुत ही मज़ेदार कहानी है। आप इस कहानी पे पूरा बने रहें, इसमें आपको बहुत सारे नए नए वर्ड मीनिंग, सेंटेंस के स्ट्रक्चर और टेंस का जो प्रयोग किया गया है वो भी आपको सीखने को मिलेगा। चलिए बिना देखो मिनी कहानी को स्टार्ट करते हैं। आज की कहानी का शीर्षक है द लायन। द लायन एंड द रैबिट। रैबिट का मतलब होता है खरगोश और लायन मतलब होता है शेर, यानी शेर और खरगोश की कहानी है। ठीक है, जैसे कि आप यहाँ पे फिगर में भी देख पा रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इस कहानी में आपको क्या सीखने को मिलता है। ठीक है, देयर वाज अ क्रूर लायन। वाज मतलब होता है था, अ क्रूर मतलब क्या, एक निर्दयी शेर, लायन मतलब क्या था, शेर, यानी एक निर्दयी शेर था इन द फॉरेस्ट, जंगल में। ठीक है, इन मीन्स होता है मैं, जंगल में क्या था, एक निर्दयी शेर था। ही ऑलवेज वेरी ग्रीडी। वह वाज मतलब क्या था, वेरी ग्रीडी मतलब बहुत लालची, वह बहुत लालची था, टू मतलब भी, ठीक है, वह बहुत लालची भी था, टू मतलब होता है भी, अब इसे नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, आगे देखिएगा, ही टॉर्चर्ड। टॉर्चर मतलब होता है आप किसी को सता रहे हैं, अत्याचार कर रहे हैं, ठीक है, उसको बोलते हैं टॉर्चर। ठीक है, यहाँ पे टॉर्चर्ड हुआ, टॉर्चर मतलब क्या हुआ, टॉर्चर का सेकेंड फॉर्म है और यही थर्ड फॉर्म भी होता है, यानी उन्होंने क्या, वह टॉर्चर करता था अदर एनिमल, यानी दूसरे जानवरों पे, यानी जो अन्य जानवर थे उस पर क्या करते थे, अत्याचार करते थे। बिकॉज, क्योंकि ही वॉज माइटी। माइटी का मतलब होता है शक्तिशाली। ठीक है, क्योंकि शेर क्या शक्तिशाली जानवर है, इसलिए क्या था, वह दूसरे जानवर को मार मार के खाता था। ठीक है, तो यहाँ पे वही सेंस बताया है, ही वाज माटी क्योंकि वह क्या था, शक्तिशाली था। ठीक है, अब आगे देखें तो क्या, द एनिमल्स यानी जानवर कुड नो लॉन्गर बियर, मतलब इस पूरे का मतलब होता है सहन नहीं कर पाना। ठीक है, यहाँ पे स्कैन का यहाँ पे क्या सेकेंड फॉर्म है, कुड तो क्या जगह सका। ठीक है, यानी अन्य जो जानवर जो वो क्या अब और उसका अत्याचार, ठीक है, सहन नहीं कर सका। हिज टॉर्चर मतलब क्या होता है, उसका अत्याचार। ठीक है, यानी वो जो आतंक जो मचा के रखा था जानवर में, वो जो अत्याचार था, ठीक है, वो जो एनिमल था उन्होंने क्या सहन नहीं कर सका। ठीक है, इस पूरे का सहन मतलब यही होता है। दैट तब दे कैम मतलब क्या, वे लोग आए, कैम का यहाँ पे सेकेंड फॉर्म है, तो क्या जाएगा, आए द लायन यानी शेर के पास। ठीक है, यानी वे लोग शेर के पास आए और प्लेस्ड मतलब अनुरोध किया, प्रार्थना किया, विनती किया। ठीक है, PLEACED मतलब होता है प्लेस मतलब होता है विनती करना। ठीक है, प्लेस्ड है इसलिए क्या जाएगा, अनुरोध किया या फिर विनती किया। ओ लॉर्ड ऑफ द जंगल, हे जंगल के राजा। ठीक है, यहाँ पे क्या बोल रहा है, हे जंगल के राजा। ठीक है, आ देखिए, वी हम्बली रिक्वेस्ट मतलब क्या, हम आपसे अनुरोध करते हैं, मतलब विनम्रता पूर्वक अनुरोध करते हैं, यू कंसीडर आउट रिक्वेस्ट। ठीक है, कंसीडर आउट मतलब क्या होता है, कह सकते हैं इसमें कि आप मतलब इसे अनुरोध के लिए विचार करना। ठीक है, कंसीडर आउट टू रिक्वेस्ट मतलब क्या, आप मेरे अनुरोध पर, ठीक है, विचार कीजिए। कंसीडर आउट टू रिक्वेस्ट इस पूरे का मतलब मान लीजिएगा कि अभी विचार करने की बात बोल रहा है। ठीक है, मैं आपसे विनम्रता पूर्वक अनुरोध करता हूँ कि आप अनुरोध पर विचार करें। ठीक है, वी आर विलिंग टू ऑफर, हम आपको देंगे या फिर भेंट देंगे या फिर मैं आपको पास भेजूँगा। ठीक है, वन एनिमल यानी एक जानवर, ए डे मतलब एक दिन में एक जानवर मैं आपको ऑफर करूंगा या फिर भेजूंगा। ठीक है, फॉर यू आपके लिए, प्लीज एक्सेप्ट एंड लीव अस इन पीस, कृपया स्वीकार करें, एक्सेप्ट मतलब होता है स्वीकार करना, और लीव मतलब छोड़ दीजिए अस हमें, इन पीस मतलब शांति में, और हमें शांति में छोड़ दीजिए। ठीक है, अब इसी प्रकार देखिए आगे क्या कहता है, द लायन आल्सो एक्सेप्टेड यानी शेर ने क्या
शेर ने भी एक्सेप्टेड मतलब स्वीकार किया हिस दिस एग्रीमेंट मतलब यह समझौता, ठीक है, यह समझौता शेर ने भी स्वीकार किया। फ्रॉम देन ऑन तब से, इस पूरे का अर्थ होता है तब से, याद रखिएगा तब से, ठीक है। वन एनिमल वाज सेंट टू द लायन, एक जानवर वाज सेंट मतलब भेजा जाने लगा टू द लायन यानी शेर के पास, या जो टू जो लगाइए क्या है रिलेटिव प्रोनाउन है, ठीक है, किसको किसके पास भेज रहे हैं ये बता रहा है, ठीक है, यानी हम क्या करें एक जानवर को दूसरे जानवर के पास भेज रहे हैं, ठीक है, यानी तब से क्या कर रहा है एक एनिमल को भेजा जाने लगा शेर के पास। देखिए यहाँ पे वंस एक बार, इट इज इट वाज द टर्न ऑफ ए रैबिट, यानी यहाँ देखिए इट वाज द टर्न ऑफ द रैबिट, टर्न मतलब होता है पारी आना, ठीक है, ऑफ ए रैबिट यानी एक खरगोश की पारी आया, ठीक है, एक बार क्या हुआ एक खरगोश की पारी आया। दैट वाज अ वाइज रैबिट, दैट वाज अ वाइज रैबिट, वह खरगोश जो था वह क्या था बुद्धिमान था, वह बुद्धिमान खरगोश था, ठीक है। ही स्टार्ट टू कुक ए प्लान, कुक ए प्लान मतलब होता है योजना बनाना, ठीक है, उसने योजना बनाना शुरू किया ऑन द वे रास्ते पर ही या फिर रास्ते में ही, ठीक है, रास्ते में क्या किया उन्होंने योजना बनाने लगा, ठीक है। टू गिव्स लायन डेन यानी शेर की गुफा की ओर जाने जाते हुए रास्ते में क्या उन्होंने एक योजना बना रहा था, ठीक है। द रैबिट वाज लेट टू रीच द लायन यानी खरगोश वाज लेट मतलब क्या देरी से पहुंचा, ठीक है, यहाँ देखिए द रैबिट वाज लेट टू रीच मतलब क्या था, लेट मतलब होता है देरी से, टू रीच मतलब पहुंचा, ठीक है, खरगोश क्या देरी से पहुंचा द लायन यानी शेर के पास। द लायन रोरर इन एंगर यानी शेर दहाड़ा या फिर गुर्राया इन एंगर गुस्से में, ठीक है। यू टेनी फूल अरे मूर्ख, अरे तू मूर्ख या फिर अरे मूर्ख इसको हम लोग ऐसे कहते हैं, ठीक है, अरे तू मूर्ख, हाउ लॉन्ग यानी कितना देर कर दिया, ठीक है, शुड आई वेट फॉर योर अरेवल, ठीक है, तुमने कितना देर कर दिया, ठीक है, हाउ लॉन्ग मतलब क्या था बहुत समय तक, ठीक है, यानी बहुत लंबे, हाउ लॉन्ग कितना देर यहाँ पे शुड का प्रयोग यहाँ पे चाहिए के लिए होता है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या कुछ और सेंस आएगा देखना अभी, ठीक है, बता रहे हैं आपको, हाउ लॉन्ग कितना देर किया, ठीक है, आई वेट फॉर यू मैं तुम्हारा कितना इंतजार करूँ, वेट मतलब होता है इंतजार करना, फॉर यू अराइविंग तुम्हारे आने का, ठीक है, मैं तुम्हारे आने का कितना इंतजार करूँ, ये इसका यहाँ पे कोई सेंस नहीं आया जनरली, ठीक है। आई एम ट्रेवली हम्बर, ठीक है, मैं हूँ टी ई डबल आर आई बी एल वाई, ट्रेवली मतलब होता है बहुत ज़्यादा, ठीक है, हंगरी मतलब भूखा, मैं बहुत ज़्यादा भूखा हूँ, ठीक है। टेल मी बताओ व्हाट मेड यू लेट, तुम क्यों देरी से आए, यू लेट मतलब होता है देरी से आना, ठीक है, या फिर तुम इतना लेट क्यों किए बताओ। अब देखिए यहाँ पे जो चला खरगोश था उसने क्या जवाब दिया था, ठीक है, द रैबिट सेड यानी खरगोश ने कहा इन ए फेबल वॉइस यानी धीमी आवाज में, इनमें क्या होता है मैं फेबल, फेबल मतलब होता है धीमी, वॉइस मतलब आवाज, ठीक है, खरगोश ने धीमी आवाज में कहा योर मजिस्ट्री मतलब महाराज आई वाज कमिंग टू योर प्लेस, मैं वाज कमिंग मतलब आ रहा था, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद क्या वाज वेयर का प्रयोग हुआ है, उसके बाद धीवन में आईएनजी का प्रयोग हुआ है, ये कौन सा टेंस हो जाएगा पास्ट इंडिफिनिट टेंस, पास्ट कंटीन्यूअस टेंस, ठीक है, सब्जेक्ट प्लस वाज वेयर का प्रयोग होता है उसके बाद फिर में आईएनजी का प्रयोग होता है तो कौन सा टेंस होता है पास्ट कंटीन्यूअस टेंस, ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा मैं आ रहा था टू योर प्लेस यानी आपके महल की ओर, ऑन द वे रास्ते में आई वाज पुल बाय अनदर ट्रे अनदर लायन, ठीक है, आई वॉच फुल बाय अनदर लायन, मुझे रोका गया दूसरे शेर के द्वारा या फिर अन्य शेर के द्वारा, ठीक है, आई हैड टू प्लेस विथ हिम टू स्पेयर मी, ठीक है, मैंने हैड टू प्लेस मतलब क्या मुझे विनती करना पड़ा, ठीक है, प्लेस मतलब होता है विनती करना पड़ा विथ हिम, ठीक है, टू स्पेयर मी
मतलब छोड़ने के लिए, मुझे छोड़ने के लिए। द लायन गॉट एंग्री, यानी शेर क्या हुआ, गुस्सा हो गया, और रोडर मतलब दहाड़ा जोर से, लोटर मतलब कहते हैं जोर से होता है, ठीक है। वाट क्यों, ठीक है, अनदर लायन इन माई फॉरेस्ट, क्या दूसरा शेर मेरे जंगल में है, शो मी मुझे दिखाओ, शेर ने कहा, ठीक है। द रेबिट लीड टू लायन टू ए डीप रंड वॉल, यानी से रेबिट ले गया, लीड मतलब क्या, ले जाना, नेतृत्व करना होता है, ठीक है। खरगोश ने क्या, खरगोश क्या क्या ले गया शेर को एक गहरी, ठीक है, खंडर कुएं में, रंड मतलब होता है खंडर, एकदम दरा को बोलते हैं खंडर, ठीक है, यानी एक गहरी खंडर कुएं में ले गया। वॉज देयर, वहाँ पे, ठीक है। देखिए यहाँ पे द रेबिट सेड, वहाँ पहुँचकर, ठीक है, रेबिट ने कहा हैव ए पीप, पीप मतलब होता है झांकना, ठीक है, झांकिए माय लॉर्ड मतलब मेरे भगवान, या फिर मेरे जो उसको बोलते हैं उसी को, ठीक है, महाराज, ठीक है, मेरे महाराज झांकिए, ठीक है। द लायन पिप्ड इनटू द वेल, यानी शेर ने क्या किया, पिप्ड मतलब झांका, इनटू द वेल, वेल मतलब होता है कुआं, कुएं में झांका, और मिस टू गलत फहमी में आकर, ठीक है, हिज रिफ्लेक्शन ऑफ अनदर लायन, यानी दूसरा शेर है इसके गलत फहमी में आकर, ठीक है। वह देखिए यहाँ पे रिफ्लेक्शन मतलब होता है प्रतिबिंब, अनदर शेर यानी दूसरे शेर के प्रतिबिंब के गलत फहमी में आकर, ठीक है। यहाँ देखिए अपने रिफ्लेक्शन टू अनदर लाइन्स, ठीक है, वह अपना ही रिफ्लेक्शन देखा, जो क्या समझा था, वह दूसरे शेर का रिफ्लेक्शन है, ठीक है। ही रोरर, वह दहाड़ा, और इट इकोड, जो जिसकी वजह से क्या हुआ, उसका आवाज़ गूंजने लगा। इन हिज फरी, वह, ठीक है, गुस्से में आकर द लायन जंप इनटू द वॉल, यानी जो शेर था वह क्या हुआ, कुएं में कूद गया। दैट इंडेड, तब से क्या हुआ, समाप्त हो गया द लाइफ ऑफ क्रूल किंग, यानी जीवन, क्रूल किंग मतलब क्या था, निर्दयी राजा का जीवन, ठीक है। अब इसकी कहानी का मतलब समझें तो इसका मतलब होता है वीकेंड्स, ठीक है, WICKEDNEWS मतलब होता है तुष्टता, वीकेंड्स मतलब तुष्टता, कैन बी बेंडेड इंडेड मतलब समाप्त किया या फिर समाप्त हो सकता है, ठीक है, बाय विटसम यानी बुद्धि से, ठीक है, यानी दुष्टता को बुद्धि से समाप्त किया जा सकता है या फिर सुदूर समाप्त हो सकता है, या फिर बी लगा है इसलिए बी मीन्स क्या होना, कैन मतलब सकना होता है, ठीक है, इसका मतलब दुष्टता होता है, इसका मतलब बुद्धि से। चलिए इस वीडियो में यहाँ तक, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, यहाँ तक के लिए जय हिंद, ठीक है।